अगर 750 सेवल है तो आप मिनिमल डाउन पेमेंट 5,000-6,000 रुपए करके भी इस बाइक को लेकर जा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हूँ मैं उत्तम TVS फरीदाबाद में और आपके लिए एक स्पेशल बाइक लाया हूँ 125cc के अंदर TVS की रेडर, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है कम्यूटर बाइक की, बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको पावर भी मिल जाती है, एवरेज भी मिल जाती है। और अभी जो मैं बाइक लाया हूँ रेडर की, ये है आपकी सुपर स्क्वाड की स्पेशल एडिशन, जो है आपका, आप इसके कह सकते हो कि ब्लैक पैंथर एडिशन। सो इसमें ग्राफिक्स कंपनी ने काफ़ी सारे इंक्लूड कर दिए हैं और इसकी स्पेशल डील भी मैं कुछ आपको बताऊंगा और प्राइस भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं इसकी डिटेल, इसकी रिव्यू। सो जी, ये है आपकी TVS रेडर की ब्लैक पैंथर एडिशन। इस एडिशन में आपको ना ग्राफिक्स कुछ एक्सट्रीम मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एवेंजर का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, LED लाइट जो इसकी विड्थ है, जो TVS की खास LED लाइट है इसकी रेडर की, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब एक अलग सा ही लुक की ये बाइक अंदर देती है। यहाँ पे रेडर का लोगो मिल जाएगा आपको और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडियन की बैजिंग, सो इंडियन प्रोडक्शन इंडियन बैजिंग। और यहाँ पे भी रेडर के अंदर सुपर स्क्वाड एडिशन का एक खास ग्राफिक्स यहाँ पे डाला हुआ है, मतलब जो मास्क वाला लुक है वकेंडा का, वो यहाँ पे डाला हुआ है। और 66 आप जानते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है 1966 को, जब ये ब्लैक पैंथर आपकी आई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रॉल, अंडर बॉडी क्रॉल, सो ये भी आपको काफ़ी अच्छा, यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सो हर जगह ग्राफिक्स आपको इंक्लूड है इस बाइक के अंदर। इसके अंदर मिल जाती है डिस्प्ले, मिल जाती है 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं आपको, और विद TVS के टायर्स। बाइक के फीचर्स के अंदर अगर बात करूँ इसकी, अगर आप लीवर वगैरह भी देखेंगे, लीवर भी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग देता है TVS बाकी बाइक्स के मुकाबले, उसमें हल्के लीवर्स होते हैं। और कभी कभार होता है कि बाइक गिर जाती है तो लीवर आपके ब्रेक हो जाते हैं, तो ये पॉइंट दिया रहता है इधर, जब भी आपकी बाइक गिरेगी इस पॉइंट से ब्रेक होगा तो इतना लीवर आपका स्टिल सेफ रहेगा, अदरवाइज क्या होता है पूरे लीवर आपके बैंड होके टूट जाते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर लीवर है ये, और इस बाइक के अंदर मिलता है आपको इको और पावर मोड। आप अपनी बाइक को इको और पावर मोड में आप चेंज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको फ्यूल एफिशेंसी भी आपको मिलेगी। USB चार्जिंग आपको मिल जाएगा सॉकेट, तो अपना फ़ोन, GoPro वगैरह कुछ भी आप अपना ईजिली चार्ज कर सकते हैं ऑन द गो। डिजिटल मीटर मिल जाएगा आपको रिवर्स LCD वाला, ये ब्लूटूथ एडिशन नहीं है, ब्लूटूथ एडिशन के लिए आपको अलग थोड़ा सा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। बाकी ये है आपका E20 फ्यूल वाला मॉडल, यहाँ पे आपको टैंक में थोड़ा सा आपको अलग से ही थोड़ा सा लुक रिप्रेजेंट मिल जाएगा इसके अंदर। साइड में आपको रेडर की बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका साइलेंसर जो है वो थोड़ा सा ना सिल्वर टच में अलग सा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह है रेडर की रेयर प्रोफाइल, रेयर प्रोफाइल से भी रेडर काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको की लगा सकते हो, सो आपकी की से यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, स्पेस आप यहाँ पे अपना फ़ोन या पर्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं अगर आप कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो। पीछे भी आपको 17 इंच का व्हील मिल जाता है, व्हील के साथ यहाँ पे व्हील पे थोड़े से आपके ग्राफिक्स हैं, सो टायर को थोड़ा सा ना लुक एनहेंस कर देता है ये चीज़। और यहाँ पे पीछे आप देखेंगे वकेंडा फॉरएवर का लोगो, और यहाँ पे थोड़ी सी वकेंडा की बैजिंग, और साथ में यहाँ पे मास्क दे रखा है। सो भाई लुक की बात करूँ तो लुक काफ़ी अच्छा इस बाइक का कर रखा है। जैसे आप देख रहे हैं ये है सुपर स्क्वाड एडिशन। सुपर स्क्वाड में आते हैं एक आपका वकेंडा एडिशन आता है, और आपका आता है एक आयरन मैन करके, सो एक रेड आता है और एक ये ब्लैक एडिशन आता है। पावर दोनों की अच्छी है। पावर इंजन की बात करूँ अगर इसमें, तो 125cc का इंजन मिलता है, जो 11.22 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, 11.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, सो काफ़ी अच्छी पावर ये प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी एवरेज की बात करूँ तो अभी जो क्लेम करते हैं वो 60+ काफ़ी यूज़र इसमें क्लेम करते हैं, और कंपनी जो ARI क्लेम करती है वो 71 के आसपास इसकी क्लेम करती है। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 180mm की, सो यहाँ से आपकी ग्राउंड क्लियरेंस 180mm की मिल जाएगी, स्पीड ब्रेक कर आराम से पार कर जाएगी। 123 किलो बाइक का वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है, ज़्यादा वेट होने से आप जानते हो कि भाई थोड़ी सी दिक्कत आती है बाइक की हैंडलिंग में, सो TVS ने इसको काफ़ी ध्यान रख के इसकी वेट इसका बाइक का दिया है। TVS के टायर्स मिल जाते हैं, रेयर का टायर मिल जाता है 190/17 इंच का, जो काफ़ी वाइडर है इस सेगमेंट के अंदर, और
मोनोशोक आपको सस्पेंशन मिल जाता है इसके अंदर, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 80/100/17 इंच का टायर। और बाकी ओवरऑल आप लुक बताइए बाइक का कैसा लग रहा है। ये है आपका वेकेंडा एडिशन, एवेंजर्स वाला सुपर स्क्वाड का एडिशन। सो ये है इसका ओवरऑल लुक बाइक का, फ्रंट से लुक है और साइड से इसकी प्रोफाइल है। ये वाला एडिशन है आपका रिवर्स एलसीडी वाला। सो इसकी मैं एक बार आपको डिस्प्ले ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसकी डिस्प्ले है रिवर्स एलसीडी वाले की। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपका गियर दिखा देगा, यहाँ पे आपका टाइम, यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे आपके किलोमीटर्स। ये आपकी ट्रिप यहाँ पे साइड में दिखा देगा और यहाँ से आप इसको ट्रिप ए ट्रिप बी। यहाँ पे आपकी रेंज दिखा देगा कि आप लाइव जब बाइक चला रहे होंगे तो कितनी रेंज आपको दिखाएगा फ्यूल टैंक के हिसाब से। यहाँ पे एवरेज दिखा देगा आपकी लाइव और ये आपकी ट्रिप ए ट्रिप बी। अभी ये बाइक है पावर मोड पे, अगर मैं यहाँ से स्विच करूँगा इसको तो ये आ जाएगी आपकी इको मोड पे। तो फ्यूल एफिशिएंसी का आपको फ़र्क पड़ेगा इको मोड और पावर मोड में अगर आप चला रहे हैं इस बाइक को तो। और ये इसकी रिवर्स एलसीडी वाली डिस्प्ले है, इसके ऊपर आती है एक आपकी टीएफटी वाली डिस्प्ले, वो भी थोड़ा सा उसका डिफरेंस लुक है, थोड़ी सी बड़ी है वो, इससे बेटर है। अगर मैं इस बाइक पे ऐसे बैठ के भी चेक करूँ तो जो राइडिंग पोस्चर है, राइडिंग पोजीशन है, काफ़ी बेटर है। मतलब पैर मेरे अच्छे से ग्रिप ले रहे हैं और टैंक को अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं मेरे लेग्स, ताकि मेरे को राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल पाए। और जो पोस्चर है मेरा वो भी काफ़ी अच्छा है, सही आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि झुका वो पोस्चर आ रहा है। और मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है इसकी क्लच की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लीवर्स। सो लीवर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस बाइक के अंदर। और बाकी ओवरऑल अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो ये मेरी पोजीशन होगी बाइक चलाने की। अभी ये की है इसकी, सो की से मैं इसका बूट भी आपको दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ इसका छोटा सा बूट स्पेस है, यहाँ पे आप इसकी की लगाइए और यहाँ पे आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा अपना सामान या फिर कुछ अपना मोबाइल या पॉकेट अपनी यहाँ पे इजीली रख सकते हैं सेफ्टी के साथ। सो छोटा सा स्पेस टीवीएस ने यहाँ पे ध्यान रख के दिया है यूजर्स के लिए। तो जी ये है आपकी टीवीएस की रेडर। इसके लिए भैया आपको थोड़ी डिटेल बता देंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम कुणाल है एंड मैं यहाँ एज एल एन टी फाइनेंस फाइनेंस करता हूँ गाड़ियाँ। ओके, कोई भी फाइनेंसियल के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके रही बात राइडर की, तो ये राइडर का एक तरह से मिड वेरिएंट है। ये 1,18,000 के समथिंग में इसकी कॉस्ट आती है आपकी। एंड इसका जो बेस मॉडल रहेगा 1,13,000 के समथिंग में रहेगा, जिसमें सिंगल सीट रहेगी एंड ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद सेकेंड मॉडल 1,15,000 जिसमें डुअल सीट रहेगी, देन ये सो राइडर सुपर स्पाइड 1,18,000 के आसपास, एंड इसके बाद बी टी में 1,25,000 के आसपास। बाकी फाइनेंस की डील्स बहुत अच्छी अच्छी है हमारे पास। आप विजिट करेंगे शोरूम, आपको सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 750 सिविल है तो आप मिनिमल डाउन पेमेंट 5,000-6,000 रुपये करके भी इस बाइक को लेकर जा सकते हैं। बाकी अगर आएंगे डील्स जो भी होंगी, बेटर डील्स हमारे हम देंगे। तो मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट में भी हो जाएगा, मिनिमम डाउन पेमेंट में भी 100% लोन तक भी हम वीकेंड। तो ये उत्तम टीवीएस पे मतलब कहाँ पे आना पड़ेगा शोरूम में? उत्तम टीवीएस सराय, नियर सराय टोल प्लाजा, सराय टोल प्लाजा के बिल्कुल ही जस्ट सामने, एक्सोटिक व्हील्स के शोरूम से थोड़ा सा आगे, होटल सेवा ग्रैंड के पास में। ठीक है, सो आप आ सकते हैं यहाँ पे उत्तम टीवीएस में भैया के पास, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इस बाइक पे कुछ स्पेशल डील भैया, अगर सब्सक्राइबर है कोई आता तो, अगर आप इनका नाम लेकर आएंगे, इनके चैनल के दिखाएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर मिल जाएगा। सो जी आइए, आपको बेटर डील जरूर मिलेगी यहाँ पे भैया के पास। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू गाइस।